सड़क किसी भी जगह की एक ऐसी बुनियादी जरूरत है जिसे पूरा करना हर सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रशासनिक अमलों ही अगर लापरवाह हो जाए तो सड़क जर्जर होना लाजमी हो जाता है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र के NH 23 से सटी सड़क भी कुछ ऐसे ही हाल बयां कर रही है। बोकारो विधानसभा क्षेत्र के NH 23 से सटी यह सड़क नरकेरा टाइमबली डी करहरिया चैनपुर गांगजोई होकर पश्चिम बंगाल को जोड़ती है। 10-12 किलोमीटर क्षेत्र में फैली यह सड़क कई गांव और कस्बों को जोड़ती है, लेकिन सड़क की खस्ता हालत ने यहां के लोगों का जीवन दुभर कर दिया है। तो सर आप लोग तो देख ही रहे हैं, हमारा जो रोड है मतलब जब से बना है उसके बाद से एक भी बार रिप्लेस मलम पट्टी नाम का कोई चीज़ ही नहीं हुआ है। और मैं तो विधायक जी से यही कहना चाहूँगा, जब वो वोट लेने आते हैं तो भैया हमारे यहाँ क्यों आते हो आप? जब मतलब हम लोग को कोई विधायक जी का कोई सेवा ही नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ क्यों आते हो बार बार वोट मांगने? सड़क की जर्जर हालत को लेकर कई बार स्थानीय लोग यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलकर अपनी परेशानियों को बयां तो करते हैं, लेकिन नतीजा ढाक के तीन बात ही रहता है। आने जाने में दिक्कत है, मान लीजिए कहीं आपको इमरजेंसी जाना है तो ऊबड़ खाबड़ रास्ता है, कोई पेशेंट वगैरह लेके जाइए तो इस रास्ते में चलने में दिक्कत होती है, रात बेरात आदमी का आना जाना है। लेकिन अब लोगों ने मन बना लिया है कि सड़क की हालत ठीक नहीं होने तक वो वोट मांगने आने वाले नेताओं का समर्थन नहीं करेंगे। आने जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है, ड्यूटी जाने में भी परेशान, टाइम से नहीं पहुंच पा रहे हैं और लेट कारण से साइड में गाली भी सुनना पड़ता है जब कोई बीमार। इस इलाके के गांव वाले मुख्यमंत्री के भरोसे ही हैं और सरकार से जर्जर सड़क की मरम्मत करवाने की लगातार मांग कर रहे हैं। न्यूज 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।